अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे भरा हुआ आलू, भरा हुआ शिमला मिर्ची, भरा हुआ बैंगन, भरा हुआ करेला, भरा हुआ टमाटर। सबको कट कर लिए ऊपर से ऐसे। इसके अंदर हम फिलिंग्स भरेंगे। प्याज 6 से 7 प्याज है, इसको चॉप करके ले लिए। और जो ये सब जो हमने कट किए इसके अंदर के टमाटर के जो थे फिलिंग सारी, वो भी कट करके निकाल लिए। करेला, शिमला मिर्ची की सारी चीज़। और मसाले में हमें लगेगा थोड़ा चॉप किया हुआ अदरक, चॉप की हुई मिर्ची, चॉप किया हुआ लहसुन, और ये अचार का मसाला है जो अचार में हमें लगता है। सब खड़े गरम मसाले के ये सब अचार का मसाला है। ये नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले लेना। धनिया पाउडर, रेड चिल्ली फ्लेक्स, कस्तूरी मेथी, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर और ये थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। और हमें चाहिए टमाटर, 2 टमाटर, हरा धनिया, कोथमीर और कड़ी पत्ता। ये सारी चीज़ों से हम तैयार कर लेंगे। ये सब भरावा जो भी हमारे पास, मेरे पास जो वेजिटेबल्स था उसमें हम भरावा बैंगन, भरावा करेला सब तैयार करके ले लेंगे। अभी हम देखिए हमारी सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी है अच्छे से। तेल में फ्राई करके निकाल लिए कि हमें स्टीम पे पकाना है इसे। ये सब भाजी कुछ कच्ची ना रहे इसलिए हमने फ्राई करके ले लिए। अभी हम कढ़ाई में, वही कढ़ाई में जो छल के निकाले उसमें ज़ीरा डाल देंगे, राई डाल देंगे। देखिए हमारा कांदा सॉफ्ट हो गया है अच्छे से, अदरक लहसुन की भी स्मेल निकल चुकी है। अब इसमें जो हमारी शिमला मिर्ची की भाजी चॉप की हुई, टमाटर, आलू, बैंगन, करेला जो कट किया हुआ था अंदर का सारी चीज़ों का, वो भी डाल देंगे और टमाटर भी डाल देंगे। इसे भी थोड़ा हम अच्छे से कुक कर लेंगे, पका लेंगे इसे भी। देखिए हमारी भाजी गल गई है अच्छे से, अच्छे से सारी भाजी कुक हो गई है, पक गई है, कच्चापन खत्म हो चुका है भाजी का। अब इसमें हम इमली का पानी डालेंगे थोड़ा खटास के लिए। अब
अगर आपको डालना है आप डालिए, नहीं डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। आपको नींबू डालना है तो आप नींबू भी डाल सकते हो इसमें। जो हमारा हरा धनिया और पुदीना है वो भी डाल देंगे, अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। देखिए भाजी अच्छे से गल चुकी है, अच्छे से सारी चीजें बन गई है। अभी गैस को बंद कर देंगे। देखिए हमारी भाजी जो अंदर की फिलिंग्स भरनी थी वो तैयार हो गई है। अभी से बैंगन में भर लेंगे अंदर फिलिंग्स। सारी चीज़ों में भर लेंगे। देखिए हमने सारे भाजी में मसाले भर लिए, करेले में, टमाटर में, शिमला मिर्ची, आलू, बैंगन। अब इसको हम सिर्फ 5 मिनट के लिए स्टीम पे रख देंगे। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दी हूँ, इसको भाप दे देंगे। सारी चीज़ें रख देंगे कढ़ाई में और इसके ऊपर ढक्कन डाल देंगे। ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें कुक कर लिए थे हमने, पका लिए थे, फ्राई कर लिए थे, भाजी को भी मसाला भी हमने अच्छे से पका लिए थे। देखिए 5 मिनट हो चुका है अच्छे से, देखिए इसमें सबने भाप चली गई है, अच्छे से पक चुका है। इसमें कोथमीर डाल देंगे। देखिए हमारी अचारी सब्जी बन चुकी है, भरी हुई अचारी सब्जी। आप भी घर में ज़रूर बनाइएगा इसी तरीके से, बहुत ही अच्छी बनती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और इसे हम 1 हफ्ते तक के फ्रिज में रख के खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। 1 हफ्ते तक हम इसे स्टोर कर सकते हैं। अगर ये मेरी भरी हुई सब्ज़ी अचारी की रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।